हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ त्योहारों के लिए स्पेशल बनाए जाने वाले बेसन के लड्डू। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले एक पैन में 3 बड़े चम्मच घी गर्म करना है और गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखना है। हमारा जब घी पिघलने लगे तो हम इसमें 100 ग्राम बेसन ऐड करेंगे। अब इसे हल्के हाथ से चलाते हुए मिक्स करना है। इसे हम मिक्स करेंगे इसी तरह से। फिर हम भूनेंगे तो इसे लगातार बेसन को हम चलाते रहेंगे। घी इसमें इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा भी लग सकता है। जैसे मैंने 100 ग्राम घी लिया है और 100 ग्राम बेसन लिया है, तो उसी हिसाब से मुझे इसमें आधा कप मैं तकरीबन घी ऐड करूँगी। और घी को हम एक साथ नहीं, बीच बीच में ऐड करते रहेंगे। बेसन के जितने भी लम्स हैं इसको हम बीच बीच में फोड़ते भी रहेंगे। इसमें हम और भी घी ऐड कर देंगे। बेसन को हमेशा धीमी आंच पे हमें भूनना है, क्योंकि इसे धीमी आंच पे भूनने से बेसन का जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाता है। इसलिए फ्लेम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और लगातार चलाते इसलिए रहेंगे ताकि ये तले पे चिपके नहीं। हम इसमें और भी 2 चम्मच घी ऐड कर रहे हैं। अब देखिए, ये तकरीबन है ना, काफी अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया है और बेसन भी काफी अच्छे से बाइंड हो गया है। काफी अच्छा टेक्सचर आ गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। काफी अच्छे से घी, बेसन और इलायची पाउडर मिक्स हो गया है। अब इसमें हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि जो बेसन है उसमें थोड़ा सा दरदरापन आ जाएगा, ये लड्डू खाने में और टेस्टी रहेंगे। इसमें हम लो मीडियम फ्लेम में ही पानी को सूखने देंगे। अब देखिए, काफ़ी अच्छे से बाइंड हो गया है ये। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम मिक्सर को ठंडा हो जाएंगे। हमारा मिक्सर जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग और भी शुगर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, चीनी और ना बेसन सभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपने मिक्सर को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इनको हल्के हाथ से दबाते हुए गोल गोल लड्डू बना लेंगे। देखिए, हमारे लड्डू काफ़ी अच्छे से बन जा रहे हैं, मतलब हमारा मिश्रण प्रॉपर बन गया है। काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जा रहा है ये। हम इसी तरह सभी लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। देखिए, काफ़ी अच्छे से हमारे सारे लड्डू तैयार हो जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितने सुंदर से लड्डू हमारे तैयार हैं और मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर